भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह जी, मेरी बहू निहारिका राजे, पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, शंकर सिंह जी साहब, श्री शुक्रन जी और उपस्थित सब भाई, मेरे बुजुर्ग और इतनी संख्या में आए हुए सब मेरी माताएं बहने। एक्चुअली में मुझे मालूम है कि कितनी गर्मी है, उसके बावजूद भी इतनी सारी माताएं बहने यहाँ बैठी मिली, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले देना बात करती हूँ, आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ। उसके साथ साथ सब बुजुर्ग और भाई जो इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों ने चल के आके जो इतने जोर से स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सब यहाँ बैठे हुए, उधर बैठे हुए सब लोगों को बिल्कुल आगे तक, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ आके इतना प्यार जताया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उदयपुर बाकी के कार्यक्रम के बारे में सुनती आ रही थी और आप लोगों ने यहाँ इतनी संख्या में आके तो कमाल ही अपने आप में कर दिया, इसीलिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ याद दिलाने आई हूँ, ये 140 मीटिंग है, 40वीं मीटिंग है और हम लोगों ने करीबन 10,000 किलोमीटर आप पूरे करने आ रहे हैं। ये पूरे गर्मी के मौसम में सब लोगों से मिलने का काम हुआ, सब लोगों से पता करने का काम हुआ कि आज स्थिति क्या है। और आज मैंने ये देखा कि जो आपके यहाँ क्षेत्र में स्थिति है वही सब लोगों की स्थिति है, चाहे वो उदयपुर में हो, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो आपके झुंझुनू में हो या चाहे सीकर में हो, सब दूर वही पानी की मुसीबत अभी मैं देख रही हूँ। उदयपुर पालिका क्षेत्र सहित गांव के अंदर बहुत जोरदार पानी की किल्लत है, टैंकरों से पानी आ रहा है सब दूर और टैंकरों में हजार हजार रुपए मांगा देने आपको पेमेंट कर करके और पैसा आपको पानी खरीद रहे हो। यहाँ तक मैंने लिखा था कि पहली जगह है जहाँ मेरे पास ये खबर आई कि पानी गांव के अंदर इतनी किल्लत है कि पशु पक्षी तक पानी छोड़ा है, पशु पक्षी तक की भी हालत खराब हो गई है और डार्क जोन होने की वजह से आपके कुएं गहरे नहीं हो सकते, नए कुएं नहीं बन सकते, परंतु रिश्वत अगर कोई दे देता है तो सब कुछ हो जाता है, तो कितना भी रिश्वत दे तो आप लोग उसे मिल जाएगा। शहरी क्षेत्र के अंदर तो क्या है, आपके बिजली की बड़ी जोरदार मुसीबत है और मैं देख रही हूँ कि 3-phase बिजली भी नहीं है, तो साथ साथ सिंगल फेज बिजली जो आपके घरों में 24 घंटे मिलना चाहिए था वो नहीं। मैंने सब माता बहनों को सब दूर कह दिया कि जाते जाते सरकार के अंदर हम लोगों ने कोशिश की थी कि 24 घंटे बिजली आपको दें, नहीं दे पाए तो हमारी सरकार जब आएगी तो जरूर घरेलू बिजली 24 घंटे आप लोगों को अपने घरों के अंदर देने का काम करेगी। मैंने सबसे पहले आपको उदयपुर वाटी और बुरा के सामुदायिक अस्पताल जो है उसमें आपातकालीन की जो भी सुविधा है उनकी भी बहुत भारी कमी है और हाथ से गंभीर बीमारी हो जाता है तो सीकर या जयपुर जाओगे तो यार जान तो बचने वाली नहीं। दोनों ही अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर नहीं है और जांच सुविधाएं भी एकमात्र बहुत ही कम है। अभी मैं गांव से निकल के आ रही थी तो मेरे को पहला गांव मिला वो चिराना, जिसके अंदर मैंने पूछा कि डॉक्टर है क्या, महिला डॉक्टर है क्या, तो बोला हाँ महिला डॉक्टर है। मैंने कहा कि ये कैसे हो गया कि 6 क्षेत्र के अंदर से मैं घूमते हुए आ रही हूँ, आज ये 6ठा संभाग मेरा कंप्लीट हो जाएगा और महिला डॉक्टर मेरे को चिराना में मिल रही है। तो एक ने आके मेरे से कहा नहीं वो क्या है यहाँ की रहने वाली है, तो यहाँ की रहने वाली है इसलिए हमारे। मैंने कहा इतने दिन हो गए मेरे को एक महिला डॉक्टर नहीं मिली, पहली मिल रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे मिला दो भैया, कौन है ये, कौन कहाँ है। उनने कहा नहीं हमारे गाँव की है इसलिए आप लोगों को यहाँ मिल गई, नहीं तो राजस्थान के अंदर ये तो अपने आप ही रह रही है। राजस्थान के अंदर कहीं भी सरकार ने इसका इंतजाम नहीं किया है और हमारी माता बहने जहां भी कहीं प्रसव हो रहा है उन लोगों को किस तरीके से और किस मुसीबत से निकलना पड़ता है वो ही जानती। शिक्षा के विकास की दिशा के अंदर आप देख लीजिए, ये शायद पहली सरकार है जिसने स्कूल बंद किए हैं,
खोले भी है, मैं नहीं कह रही हूँ, परंतु पहली दफा ऐसा सरकार है जिसने शिक्षा के ऊपर अपने स्कूलों को बंद किया है। और नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मैं देख रही थी कि दिल्ली हाईवे से जोड़ने वाली जो सड़कें, अरे क्या सड़कें हैं, क्या सड़कें हैं, मैं जहां जहां देखते हुए आ रही हूँ। और ये यहाँ ही नहीं है, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। जहां जहां मैंने पता किया तो लोगों ने बताया कि ये जो डामर आपका हो रहा है ना, ये डामर आगे से हो रहा है, पीछे से सड़क उखड़ती जा रही, और बरसात आ जाएगी तो ये जो काम हुआ है वो पूरी की पूरी सड़क वैसे ही उखड़ जाएगी, ताकि अगले साल फिर इसके ऊपर पैसा खर्च कर सके। इसी में तो पैसा बनाया जाता है, आप लोग सब अच्छे से जानते हो। मैं सब लोगों को यहाँ कह रही हूँ कि दवाई जो मुफ्त की है, वो मुफ्त की दवाई अभी शिखर के अंदर आपने देखा होगा, पैरासीटामोल जो आप लोगों को सस्ता मिलना चाहिए, उस सस्ते का, उस दवाई का सैंपल लेके जयपुर भेजा गया। वो सैंपल जब वापस आया तो सस्ती दवाई की क्या हालत है कि वो पास बिल्कुल ही खराब पाया गया। और ये पहली दफा नहीं है, ये कई बार इस तरीके से सैंपल खराब पाए गए। और मैंने ये तो ये कह दिया है कि निःशुल्क दवाइयों का अगर वितरण करना है तो ऐसे ही दवाई लूटने से मतलब नहीं है। वहां जिन लोगों को लगाया जाए वो ट्रेंड लोग हो, फार्मासिस्ट लोग हो, और अगर ऐसा करोगे तो 15,000 केंद्र है पूरे राजस्थान के अंदर, करीबन 30-40,000 लोगों को उसमें नौकरी भी मिल जाएगी, अच्छे ट्रेन फार्मासिस्ट होंगे तो आपकी दवाई भी सही तरीके से आपको मिल जाएगी। इस तरीके से नहीं कि खाली कोरी घोषणा हो और काम कुछ नहीं हो, ना डॉक्टर है ना दवाई, और अगर दवाई है तो वो घटिया, और वो घटिया किस्म की दवाई की वजह से और ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल है, चाहे वो दवाई का हो, चाहे हमारे रोजगार का हो। जगह जगह पे मैंने बच्चों को यही कहा है कि पिछले दिनों के अंदर जब हमारी सरकार थी तो 10,00,000 बच्चों को नौकरी देने का हम लोगों ने काम किया था। आज मैं देख रही हूँ कि ये पिछले 4-4.5 साल के अंदर किसी को भी नौकरी मिलने का काम नहीं हुआ है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपन तो बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ नौकरियों का इंतजाम नहीं है। मैं सबको कह दिया पूरे क्षेत्र के अंदर कि RPSC की जो व्यवस्था हम लोगों ने की थी वो RPSC की व्यवस्था हम लोग फिर से करेंगे। टेट के संबंध से बाहर निकालने का काम, हमारे बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये सबसे पहले हम सबके दिमाग के अंदर है। इसलिए माताएं बहने, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल के अंदर बहुत दर्द है, हम सबको बहुत दुख है कि जिस तरीके से राजस्थान की महिलाओं की बेइज्जती हो रही है, जिस तरीके से उनका स्वाभिमान मिट्टी में मिला जा रहा है, और रोज रोज हो रहा है। आज आप लोग सड़क के ऊपर सुरक्षित नहीं चल सकते हैं। मैं यही देख रही थी अभी एक बस के अंदर, ये बीकानेर का किस्सा है, और बीती रात में 8वीं में पढ़ने वाली एक नाबालिग दलित बच्ची अकेले बस स्टैंड पे खड़ी थी कि बीकानेर में हमें जाना है, तो उसको बस वालों ने उठाया, बस खाली थी, और उसके साथ दुष्कर्म किया। और बच्ची बज्जू गांव की थी, ये कल रात की बात है। और उस कल की बात आपको सबको मैंने बताया कि सीकर के अंदर रानोली के गुड़ा गांव के अंदर भी यही मामला हुआ, और बच्ची इतनी दुखी हो गई कि कुएं के अंदर कूद के उसने अपनी जान ले ली। और ये माता बहने रोज का काम है, रोज का किस्सा है। आज तो मैं एक बच्चू की बात बता रही हूँ, कल कोई रानोली घोड़ा का काम था, परंतु ये रोज रोज का काम कब रुकेगा। मैं तो कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री भी है और संदेश यात्रा के अंदर कल बीकानेर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री को जवाब देने की जरूरत है कि उनके शासन में महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार क्यों हो रहा है। उनको जवाब देने की जरूरत है कि सबसे असुरक्षित प्रदेश महिलाओं के लिए राजस्थान क्यों बन गया है। उनको जवाब देने की जरूरत है कि रोज रोज महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उसके बारे में उनकी सरकार क्या कर रही है। मैं तो ये कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं होगा, जवाब तो हम लोगों के पास है। महिलाओं के साथ माताएं बहने ऐसा ही होता होगा जब तक राजस्थान में कांग्रेस जिंदा है। जिस दिन कांग्रेस को आप लोग हटाओगे उस दिन के बाद महिलाओं को सुरक्षित रखने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे, मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ। वसुंधरा राजे जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद। महिलाओं की बात है या मैं किसानों की बात पूछ रही हूँ। रोज रोज अब बरसात हो गई तो किसान सीधे जाता है कि मेरे को बीज अच्छा मिल जाए, मेरे को खाद अच्छा मिल जाए, और इलाके के अंदर जा जाके लोगों से अपने जो दुकानें हैं गांव सरकारी वहां से अपना खाद और बीज लेने की चेष्टा करता है। कहीं नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो वो नकली मिल रहा है। अभी मेरे पास एक लिखित में आया था कि
कि एक गांव में लोगों का की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जो जनप्रतिनिधि थे उन लोगों ने खड़े होके यही बात चिल्ला चिल्ला के सबको कहा कि हमारा इस तरीके का अगर बीज मिलेगा, इस तरीके का अगर हमको खाद मिलेगा तो हमारे किस फसल के ऊपर हम अपना जिंदा छोड़ सकते हैं। और मैं आपको सबको ये कहना चाहती हूँ कि आज उसकी फसल अगर खराब हो जाती है तो वैसे ही उसको नुकसान है, मुआवजा देने वाला कोई नहीं है, ना उसको पैसे देने वाला, ना उसको लोन देने वाला। आज हमारे किसानों की ये बुरी हालत हो रही है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिला हो, आज ये स्थिति जिस सरकार ने हमारे साथ करके रख दी है उसमें बदलाव तो हम एक ही तरह से कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब ये पूरा परिवार एक हो, इसमें सब जाति एक हो जाए, इसमें सब मजहब एक हो जाए। अगर ये सब लोग एक साथ चल पड़ेंगे तो ये जादू मेरे हाथ में नहीं है, वो आप लोग सबके हाथ में है, माताएं बहने, हम लोग सब चल पड़ेंगे और साथ चलेंगे तो राजस्थान बदलेगा, एक ऐसा नया राजस्थान बनेगा जो समृद्ध और खुशहाल आपके लिए होगा। और अगर ऐसा ही राजस्थान आप लोगों को बनाना है तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को तैयारी करके एक एक को ये मन के अंदर सोच लेना है कि हमारे परिवार को इसके साथ जोड़ने की जरूरत है। जिस दिन ये पूरा राजस्थान का परिवार जुड़ जाएगा तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उन सब के आगे जाने का हम लोगों का काम है। मैं तो ये सब कहती हूँ कि आप लोगों को सबों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्टेट राजस्थान से आगे नहीं जा सकता, अगर राजस्थान तय कर लेता है तो राजस्थान ही सबसे अग्रणी प्रदेश बन के रहेगा, इसके ऊपर अब आपको ध्यान करने की जरूरत है। मैं आप लोगों को ये कह दूं कि अब आगे चार चार महीने बचे हैं, इस चार महीने के अंदर बहुत सारी सौगातें बांटी जा रही हैं, आप लोग जो मांगोगे वो कहते ले लो, बस वोट दे जाओ। ये सारे चार साल कुंभकर्ण की नींद सोते हुए अभी जगे हैं, परंतु आप जग के कह रहे हैं कि आपको जो चीज चाहिए वो ले जाओ और बाद में हम देखा जाएगा। हम तो आपको सेवा करने के लिए, आपको पैसा देने के लिए, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो यह बात उठती है पेंशन की, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि साढ़े चार साल तक ये पेंशन की नहीं, अगर ऐसे ही जल्दी में देना था तो साढ़े चार साल पहले अगर शुरू कर दिया होता तो आज तक कितने सारे लोगों को पेंशन मिल जाता। ये तो चुनाव की बात है, फिर उसके बाद मालूम पड़ा कि अभी साइकिल तैयार नहीं हो गई, अरे ले उस साइकिल की एवज में पैसा ले जाओ, अगर चावल नहीं मिल रहा है तो उसके एवज में पैसा ले जाओ, अरे लैपटॉप नहीं मिल रहा है तो कोई नहीं पैसा ले जाओ, ले जाओ। और माताएं बहने बच्चों को जो आंगनबाड़ी और उस केंद्र में बच्चे जा रहे छोटे छोटे, चलो बच्चे भी है तो उनको कुर्ता पजामा भी दे दो, और साड़ियां आपकी नहीं मिली आपको तो साड़ी की एवज में वो भी पैसे ले जाओ। और अगर आप आने वाले समय के अंदर एक थाली और दो कटोरी भी ले जाओ, आपको जो चाहिए वो सब ले जाने का काम कर लो, बस हमें वोट दे दो। ये हमें उनको कहना है कि याद रखना कि गुजरात ने 15 साल के अंदर किस तरीके से बदलाव देखा है और पूरे देश के अंदर क्या विदेश के अंदर उसका नाम हो गया है। नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां गुजरात को पहुंचा दिया है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर वो जो स्थिति है वो आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान के अंदर माता बहने भाइयों और बुजुर्गों, हम लोगों को 53 साल हो गए एक ही कांग्रेस के साथ चलते चलते, और आज आप देख लीजिए कि 15-10 साल के अंदर तो स्टेट्स चली गई और हम लोग 53 साल के बाद उसी गड्ढे में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारी हो रही है कि हमारे अफसर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले 3-4 महीने के बाद हमको तनख्वाह के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली से आता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जमीनें उसके सामने नजरअंदाज कर दी जाती है कि देखो आपको जो चाहिए आप ले जाइए, सस्ती जमीन लेता है और महंगी बेच के पैसा लेके चला जाता है। आप ये देख लीजिए कि कहां एक जगह तो पेट्रोलियम का आपका वो जो रिफाइनरी आ रही है उसके लिए आपने जमीन खरीद ली, उसके बाद आपने उसको दूसरी जगह पर उसको ले गए, वहां के लोग भी जमीन का धंधा कर रहे हैं, सब पूरे कांग्रेस के लोग उसी के अंदर लगे हुए हैं कि आप तो सरकार जा रही है उसके पहले जहां जहां अपन धंधा कर सकते हैं अपन धंधा कर लो और अपने जेबों को भरने का काम करो। भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पनप रहा है। अगर कोई देश के अंदर एक प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो है राजस्थान। कितने शर्म की बात है कि आज हमारा सिर कलंक से झुक जाता है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज को ध्यान में रखना, और ध्यान में रखें जब अपना नया राजस्थान बनाने का काम होता है तो युवा और महिलाओं को आगे रहते हुए हम लोग सबको मिलकर अपने परिवार को आगे ले जाने का काम करने की जरूरत है। अब आजकल
आपके बीच में आएंगे, ये लुभाएंगे आपको इन सब सौगातों से, फिर डराएंगे भी कि भाई अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका फिर हम देख लेंगे। एक था कल ही मैंने नवलगढ़ में बताया सब लोगों को कि ये उसका मैंने गिनती कर रहे थे कि कितने उद्यमियों ने कितना कितना काम हुआ किया है और उसका कितना फाइनेंशियल हमारे लिए अच्छा रहा। तो हमने ये पता किया तो उसने अगर बता दिया कि 20% अपना लॉस हो रहा है तो उसको चिट्ठी आई कि आप लोगों ने 20% लॉस किया है, उसको ठीक करिए और अगर ठीक नहीं करेंगे तो आपके मानने के ऊपर हम उसको कम करने की कोशिश बात करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मानदेय से और उसके अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उसको डराने का मतलब क्या है? जो सही बात थी उसे लिख के आपको दी, परंतु कोई सही बात राजस्थान के अंदर अब सुनने को तैयार नहीं है। सबने ये तय कर दिया कि भैया हम लोगों को बस इसी के अंदर जुटना है। आज कोई मेरे पास आया था, उसने कहा कि CBI के इन्वेस्टिगेशन हमारे लिए करा दीजिए, हमारे दो बच्चों की मौत हुई है वहां और बहुत ही निर्मम हत्या हुई है, उसके लिए CBI के लिए अगर आप केस रिफर कर दो तो हमको बहुत मदद हो जाएगी। मैं सबको ये कह दिया कि CBI का केस अब आपके लिए नहीं है, ये CBI जनता का नहीं है, ये CBI हम लोगों के लिए है, गुलाब जी के लिए है, जिस गुलाब कटारिया को जेल में बंद करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो नापाक बिल्कुल ही दूध जिससे धुला होता है उसी तरीका व्यक्ति, उसको जेल के अंदर डालने का काम अब आप कर रहे हो, CBI को उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो और यहाँ हम लोगों के सब फाइले को खंगाल खंगाल के ये कोशिश कर रहे हो कि हम सबके परिवारों के ऊपर किसी भी तरीके से कलंक लग जाए। ये CBI अब जनता को नहीं देखती है, CBI नेताओं को देखती है, CBI बड़े लोगों के लिए है, CBI हम जैसों के लिए है, हम जैसों के लिए इसलिए है कि किसी भी तरीके से हम लोगों को अगर बंद कर दिया जाए तो हम आपके बीच में आके सच्चाई जो है वो सरकार की आपको बता नहीं सकेंगे। तो क्या है आप लोगों से मुझे इतना ही पूछना है कि आप लोग तैयार हो उस लड़ाई के लिए? क्या आप तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए? और अगर तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए तो हिम्मत की जरूरत होगी, क्योंकि आएंगे आपको जब डराएंगे धमकाएंगे तो उसमें आपको कहना पड़ेगा कि हम लोग सब मिलके एक नया राजस्थान बनाने की तैयारी में है। तैयार हो? अगर हो तो सब लोग एक जोरदार नारा दें, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।